दोस्तों, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 55वें मुकाबले में चेन्नई की टीम ने बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए दिल्ली को बुरी तरीके से हरा दिया, जिसके बाद भारतीय दिग्गजों का बयान महेंद्र सिंह धोनी की शानदार कप्तानी को लेकर आया है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं आखिर भारतीय दिग्गजों ने क्या कहा अपने बयान में। लेकिन उससे पहले वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतर कप्तान, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 55वां मुकाबला चेन्नई और दिल्ली के बीच खेला गया, जिसमें चेन्नई की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने करी तो वहीं दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत ने करी। और सबसे पहले ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए दिल्ली की टीम को आमंत्रित किया और चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और देवॉन कॉनवॉय मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने चेन्नई की टीम को बेहतर शुरुआत दी, जिसमें गायकवाड़ 41 रन बनाकर तो दूसरी तरफ कॉनवॉय शतक से चूक कर 87 रन बनाकर आउट हो गए और अंत में महेंद्र सिंह धोनी की बेहतरीन और तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए 21 रन की बदौलत चेन्नई की टीम ने 20 ओवर में विशालकाय 208 रन से विकेट के नुकसान पर बना दिए, जिसमें नॉटर्स ने 3, खलील अहमद ने 2 और मार्स ने 1 विकेट हासिल किया, जिसके बाद 209 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली की टीम उतरी तो दिल्ली की तेज तर्रार शुरुआत देखने को मिली, जिसमें पावर प्ले में ही 59 रन बन गए। लेकिन लगातार विकेट का सिलसिला गिरना जारी ही रहा और मध्य ओवरों में टीम के 6 विकेट गिर गए और दिल्ली की तरफ से मार्च ने सर्वाधिक 25 रन बनाए और चेन्नई की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मोइन अली ने सर्वाधिक 3 विकेट, तो वहीं मुकेश चौधरी ब्रावो और सिमरनजीत ने 2-2 विकेट और महेश ने 1 विकेट हासिल किया और दिल्ली की टीम 117 रन पर ऑल आउट हो गई और चेन्नई 91 रन से मुकाबला जीत। इसके बाद भारतीय दिग्गजों का बयान सामने आया, जिसमें हरभजन सिंह ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और उनसे बड़ा क्रिकेट का महारथी और कोई भी नहीं है, और जब वो किसी भी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो उनका सीधा मकसद अपने लिए खेलना नहीं होता है और वो जब भी खेलते हैं तो टीम के लिए ही सोचते हैं, चाहे वो भारतीय टीम हो या फिर चेन्नई की टीम, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अलग ही अंदाज से कप्तानी चेन्नई और भारत को रास आई, जिसके कारण भारत ने धोनी की कप्तानी में कई ट्रॉफी जीती है तो चेन्नई की टीम भी कई बार महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में आईपीएल का खिताब जीत पाई। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही खतरनाक कप्तान है और इनके सामने किसी भी कप्तान की कोई भी चाल नहीं देख सकती, क्योंकि इनका दिमाग बहुत ही अलग अंदाज से चलता है और जब भी ये सामने वाली टीम को हराने के मूड में रहते हैं तो हमेशा महेंद्र सिंह धोनी की ही जीत होती है और विपक्षी टीम सिर्फ कप्तानी के दम पर ही हार जाती है, जिसका बहुत ही बड़ा फायदा चेन्नई की टीम को हमेशा होता है और इस मुकाबले में भी चेन्नई की टीम को हुआ। तो वहीं सुनील गावस्कर ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी जिस अंदाज से लगातार बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि चेन्नई की टीम का भविष्य महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में रहेगा, तो चेन्नई की टीम कभी भी बेकार प्रदर्शन नहीं करेगी और हमेशा कमबैक करने के इरादे से चेन्नई की टीम जानी जाएगी, क्योंकि शुरुआती मुकाबले हार जाने के बाद चेन्नई की टीम बहुत ही ज्यादा निराश हुई और अब चेन्नई की टीम लगातार वापसी कर रही है और अपने दमदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर टीम को जीत दिला रही है, जिसका फायदा चेन्नई की टीम को हो रहा है और इसका क्रेडिट महेंद्र सिंह धोनी को ही जाता है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की शानदार कप्तानी के कारण चेन्नई की टीम जीत पाई या नहीं, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।